क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या है, हमें डी बाई डी एक्स निकालना है जो भी हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। लेकिन टू तो चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, अगर सिर्फ अकेला होता तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता, चूंकि फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो बाहर आ जाएगा, दैट इज टू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, तो रूट को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हो तो पावर वन बाई टू हो जाती है cot of x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cot को डिफ्रेंशिएट करना है या जिसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, ये पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है जो एक फंक्शन ऑफ फंक्शन है। जब भी आप x की वैल्यू प्लेस करोगे, कुछ भी प्लेस करोगे, ठीक है, तो x जब रखोगे तो उसका स्क्वायर होगा पहले, मतलब दैट इज द फर्स्ट फंक्शन विच ऑपरेट द वैल्यू ऑफ x। फिर क्या होगा आपका, जब x वैल्यू प्लेस करोगे तो आपका स्क्वायर ऑपरेट होगा, स्क्वायर ऑपरेट होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो cot ऑपरेट करेगा उसको, जब cot ऑपरेट कर लेगा तो एक वैल्यू प्रोड्यूस होगी जिसको आपका स्क्वायर रूट ऑपरेट करेगा, यूं कहें पावर वन बाई टू ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन, ये चेन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इमीडिएट सबसे आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एन एक्स, पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, मतलब यहाँ पे अच्छा टू तो था ही, वन बाई टू एन एक्स और वन बाई टू माइनस वन। अब अंदर जो भी है, अंदर क्या है, ये पूरा है, ये कॉपी कर दीजिए यहाँ पे, तो दैट इज cot ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वन बाई टू माइनस वन क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पे हम माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये माइनस अगर हटाना तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, वन बाई हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो दैट इज वन बाई पावर वन बाई टू हो जाएगा, और वन बाई पावर लिखना है वन बाई टू तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो फाइनली ये आ गया आपका यहाँ पे वन बाई अंडर रूट cot ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका, ठीक है। फिर cot का करोगे आप, cot का क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया cot का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो दैट इज इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अंदर जो भी हो लिख देंगे, अंदर क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इंटू स्क्वायर का होगा डिफ्रेंशिएशन, अगली कड़ी है, ये भी हो गया आप इसका होगा, तो फिर पावर का है एन एक्स एन माइनस वन टू माइनस वन, अंदर क्या है आपका एक्स है, ठीक है। तो ये फाइनली टू माइनस वन कितना आ गया आपका, वन आ गया, मतलब सिर्फ सिंपली टू एक्स हो गया, तो इसको सही से लिख दीजिए, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी माइनस टू एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cot एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आंसर सही, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि आंसर आपका हो सकता है बुक में पीछे मैच ना कर रहा हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन लिख सकते हैं, और cot को cos अपॉन साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट कुड बी रिटर्न एज ए माइनस टू एक्स, कोसेक को लिख दिया वन बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और cot को लिख दिया अंडर रूट cos x स्क्वायर और अपॉन साइन लिखेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज अंडर रूट साइन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अगर रेशनलाइज कर लें हम ऊपर न्यूमरेटर को, मतलब अंडर रूट साइन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें साइन x स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा ये अंडर रूट रिमूव हो गया वन बाई, अब जब अंडर रूट रिमूव हो जाएगा तो ये चीज़ इससे
कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एक बचेगा सिर्फ, ठीक। तो फाइनली आपका यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, ठीक। अच्छा, ये सारा अंडर रूट समथिंग ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो दैट कुड बी रिटेन एज इन सिंगल ब्रैकेट या सिंगल स्क्वायर रूट साइन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला है ये, साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन टू से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, हमने टू से अंदर मल्टीप्लाई किया है रूट में, इसका मतलब रूट टू से हमने मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ऊपर भी रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, तो दैट कम्स आउट टू बी साइन ऑफ टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो गया, माइनस का टू रूट टू एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन ऑफ टू एक्स स्क्वायर,